हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एक आरटीआई का रिस्पांस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये माना कि नॉन फंक्शनल ईवीएम का जो नंबर है वो काफी बढ़ गया है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और हम चार पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है कि और क्या इस आरटीआई के रिस्पांस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्मेशन शेयर किए। दूसरा रहने वाला है कि आखिर में क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं क्या कभी इनको इन्फॉर्म किया गया था। तीसरा रहने वाला है कि आखिर में नॉन फंक्शनल ईवीएम का जो परसेंटेज है वो कितना है एक एस्टिमेटेड। और चौथा रहने वाला है कि क्या अगर ईवीएम नॉन फंक्शनल रहे तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि उस ईवीएम को टैम्पर किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम वेंकटेश नायक है, जो कि एक एनजीओ जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, उसमें एज अ डायरेक्टर है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आरटीआई के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन मांगा था, जहां पे उनका रिक्वेस्ट था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कितने सारे ईवीएम थे जो नॉन फंक्शनल थे। इसके पहले कि आप ईवीएम के बारे में कुछ अपने विचार बनाएं, मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि दुनिया का कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जिसमें कोई फॉल्ट ना हो या जिसके कॉम्पोनेंट्स खराब ना होते हों। या तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, सुन लें, या तो आप द इंडियन एक्सप्रेस में ये जो आर्टिकल छपा है इसको जाके पढ़ लें, ताकि आपके पास जो जानकारी हो ईवीएम को लेके वो सटीक हो और सही हो। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो ईवीएम को कसूरवार ठहराते हैं, और अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत जाते हैं तो वो ये कभी नहीं कहते हैं कि इसमें ईवीएम का फॉल्ट था। क्योंकि भारत में समय दर समय चुनाव होते रहते हैं, इसलिए सेम ईवीएम का इस्तेमाल लोकसभा में भी होता है और अलग अलग जो राज्य के जो चुनाव होते हैं वहां पे भी होता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि ईवीएम को अपडेट किया जाता है। सपोज दैट अगर आज चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं तो जितने भी जो ईवीएम रहने वाले हैं या इसके जो कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, इसको या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो राजस्थान के हिसाब से इसमें अपडेट किया जाएगा। अगर वहीं कहीं लोकसभा चुनाव अगर होने वाला है तो सारे ईवीएम को रीसेट किया जाएगा और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वहां पे कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से उसमें इन्फॉर्मेशन को डाला जाएगा। तो क्योंकि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम को डिस्पैच करते हैं तो कुछ मैंडेटरी चेक्स उसमें होता है, जिसको कि नॉर्मली कहते हैं फर्स्ट लेवल चेक। इसमें कंट्रोल यूनिट हो गया या ईवीएम हो गया या वीवीपैट हो गया, उन सभी चीजों को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद ही उसको डिस्पैच किया जाता है। नॉर्मली लोकसभा के चुनाव में 6 महीना पहले से प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं उनके द्वारा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ईवीएम को भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसके पीछे दो कंपनीज का हाथ है। सबसे पहला कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एक चीज तो बहुत ही स्पष्ट है कि जो नॉन परफॉर्मिंग ईवीएम है उसका परसेंटेज काफी हाई है, लेकिन क्या एग्जैक्ट परसेंटेज है कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको शेयर नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हुए वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में अपडेट नहीं दिए। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, जब भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं तब भी जो स्टेट के जो हेड होते हैं, जो इलेक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं या सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, उन सभी ने समय दर समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस फॉल्ट या इस कंसर्न के बारे में रेगुलर अपडेट किए हैं। अब क्योंकि ये मशीन है इसलिए मशीन में फॉल्ट ना हो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तो अकॉर्डिंग टू जो एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि अगर 5% ईवीएम अगर काम नहीं करता है तो वो एक एक्सेप्टेबल नंबर है, जहां पे ये माना जाता है कि वो एक सही नंबर है या अंडर कंट्रोल है। लेकिन जब रिपोर्ट ऐसा आए कि 30% ईवीएम या उसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करता है। सपोज दैट अगर 100 ईवीएम में 30 ईवीएम काम नहीं कर रहे हैं तो 30 ईवीएम को रिप्लेस करना काफी मुश्किल हो जाता है जब चुनाव काफी नजदीक हो। तब उसके पहले भी 2018 नवंबर 1 को उत्तराखंड के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उन्होंने ये कहा था कि उनके पास जो ईवीएम है उसमें से 38% जो ईवीएम है या उसके जो कंपोनेंट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। 38% अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है। ऐसा ही कुछ 2018 में भी शेयर किया गया था, ऐसा ही कुछ आपके अंडमान के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उन्होंने भी शेयर किया था।
तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ईवीएम या उसके जो कॉम्पोनेंट्स है उसमें जो फेल्यूर का परसेंटेज है वो काफी बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका के जो सीईओ थे उन्होंने भी ये अपडेट किया कि ऑलमोस्ट जो 12% जो वीवीपैट हैं वो फेल हो गए हैं। ऐसा ही कुछ अपडेट किया गया था केरला के जो सीईओ थे, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि कुछ 14% जो कंट्रोल यूनिट है वो काम नहीं कर रहा। तो मोर और लेस तकरीबन जहां जहां पे चुनाव हुए वहां वहां के जो सीईओ थे उन सभी ने अपडेट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में। अब जो हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वेंकटेश नायक, इनको जानकारी मिलती है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो दो कंपनी जो ईवीएम और उसके जो कंपोनेंट्स को बनाते हैं उनको लेटर तो लिखा गया था। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इसके बारे में चिंतित नहीं है। वहीं पे द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने द इंडियन एक्सप्रेस के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। और जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये हमारे दिमाग में आ सकता है कि क्या ईवीएम के कंपोनेंट्स का खराब होने का मतलब ऐसा तो नहीं कि ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में ईवीएम को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब तक ऐसा कहीं पे कोई प्रूफ नहीं है कि ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। कॉम्पोनेंट्स का खराब होना, वीवीपैट का खराब होना और ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज करना, ये दोनों एक काफी अलग अलग सिचुएशन हो जाते हैं। तो अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा प्रूवन रिकॉर्ड या फैक्ट नहीं है जो ये कहता हो कि ईवीएम को या उसके कंपोनेंट्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।